हम सबके बीच में आदरणीय श्रीमती पायल सैनी जी हैं, जो नगर परिषद की सभापति हैं, और आपके ही प्रयासों से चौधरी साहब के सपनों को साकार करते हुए उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का नगर परिषद की ओर से किसान स्मारक रेलवे जंक्शन और जिला कलेक्टर के बीचों बीच स्थापित हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का स्वागत संबोधन महिला सशक्तिकरण के साथ में चूरू की धरती से एक मजबूत आवाज के रूप में प्रदान करें आदरणीय पायल जी सैनी। मंच पर विराजमान आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अध्यक्ष जी, जिनके आते ही यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह नजर आया। हमारे कांग्रेस की पार्टी की आन बान और शान आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, चूरू से लोकसभा व विधानसभा प्रत्याशी हमारे आदरणीय रफीक जी मंडेलिया साहब, आज ही के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे एमपी साहब, युवा ऊर्जावान राहुल जी कसवा साहब, तारानगर विधायक नरेंद्र जी बुडानिया साहब, बड़ी बहन पूर्व मंत्री कृष्णा जी पुनिया साहब, पुसाराम जी गोदारा साहब, जिला अध्यक्ष इंद्राज जी खिचड़ साहब, सुचित्रा जी, आशाराम जी सैनी साहब, मोहन जी आर्य साहब, धर्मेंद्र जी बुडानिया साहब, रामरतन जी सिहाग साहब, शारदा देवी जी, राजगढ़ चेयरमैन साहिबा, हमारे तारानगर प्रधान संजय भाई साहब, पूर्व सभापति जी लक्ष्मण, और बड़े ही आदरणीय और सम्माननीय हनुमान जी कोठारी साहब, और सभी को सम्मानित मंच कहकर संबोधित करती हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का इंतजार करते हुए बहुत लंबा समय हो गया था। सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब और एमपी साहब राहुल जी कसवा साहब का, कि इनको जैसे ही इस कार्यक्रम के लिए हमने आमंत्रित किया, इन्होंने कुछ ही सेकंडों के अंदर हमें अपना अनमोल जो समय है वो प्रदान किया, क्योंकि ये चुनाव का भी समय है और इतने कठिन समय के अंदर भी इन्होंने आज चूरू के अंदर चौधरी कुंभाराम जी आर्य साहब की मूर्ति के अनावरण के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभी मंचासीन अतिथियों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। कुंभाराम जी आर्य की प्रतिमा लगने के अंदर इसकी मैं निमित्त बनी, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ। आज से 3 वर्ष पहले आज ही के दिन, जब कुंभाराम आर्य जी की पुण्यतिथि थी और इंद्रमणि पार्क के अंदर जब एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी, वहां पर कुंभाराम जी आर्य की प्रतिमा लगाने की बात उठी थी, और उस समय घर आकर मुझे मेरे पिता ससुर आशाराम जी सैनी साहब ने कहा कि आज ये बात उठी है और आपके कार्यकाल की अगर आप इस मूर्ति को लगा सको तो सबसे बड़ी जीत होगी। उसके बाद में कुंभाराम आर्य फाउंडेशन से गोविंद राम जी, रामरतन सिहाग जी, ये लोग हमारे पास में आए, और चूंकि मेरे पिता ससुर आशाराम जी सैनी ने मुझे कुंभाराम जी आर्य के बारे में पहले ही बता दिया था, तो जैसे ही वो अपने लेटर पैड के ऊपर इस मूर्ति के लिए आए हमारे पास में, तो हमने उसी समय बोर्ड मीटिंग निकालने का फैसला किया। हमने हमारे नेता आदरणीय रफीक जी मंडेलिया के सामने जब ये प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने भी बिना सोचे समझे एक ही बात की कि सभापति मैडम, अगर आप चेयरमैन साहब ये काम कर दोगे तो कुंभाराम जी के साथ साथ आप भी अमर रहोगे। और हमारे कांग्रेस के सभी पार्षदगणों ने इस प्रस्ताव को बहुमत से पास किया और कुंभाराम जी आर्य की मूर्ति लगने की जो सूत्रधार थे वो हम सब बने। उसके बाद में जब जगह चयन का जब आया, तो नगर परिषद की ओर से बहुत सारी जगह थी, लेकिन हम सब लोग ये चाहते थे कि ऐसी जगह चुनी जाए जहां से चूरू का हर व्यक्ति आता जाता उस प्रतिमा को देख सके, और बच्चे भी जब इसके सामने से गुजरे तो वो भी पूछें कि ये मूर्ति किसकी है, और इस तरीके से उनकी विचारधाराओं का जो है हम प्रचार प्रसार कर सके। तो हमने जो चूरू का हृदय स्थल है, सबसे बेशकीमती जमीन, सबसे जो एकदम एक नंबर की जो अपन कहते हैं जमीन थी, वो हमने कुंभाराम जी आर्य की मूर्ति के लिए उसका चयन किया, और उसके बाद में जो प्रतिमा स्थल जब बनना था कुंभाराम जी आर्य जी की मूर्ति के लिए, जमीन आवंटन हो चुका, लेकिन फिर बात आई
कि अब इसका निर्माण कैसे हो, प्रतिमा स्थल का, पार्क का निर्माण कैसे हो, तो उसके लिए फिर से मैंने नगर परिषद से फिर से एक टेंडर लगवाया, जिसमें कुंभा पार्क से का जो है उसके निर्माण कार्य का जो है वो उसके करवाया गया और प्रतिमा स्थल का निर्माण करवाया गया। और साथ ही में भामाशाहों का भी धन्यवाद, जिन्होंने इस कुंभा राम जी आर्य की मूर्ति के अंदर अपना बहुमूल्य सहयोग दिया। कुंभा राम जी आर्य के बारे में आपको मुझसे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बड़ी डिटेल में सब कुछ बता दिया है, तो उन्हीं बातों को मैं बार बार दोहरा कर समय नहीं, आप लोगों का मूल्य समय नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी लोग काफी लंबे समय से आए हुए हैं। लेकिन कुंभा राम जी आर्य जैसी शख्सियत का इस धरती के ऊपर फिर से पैदा होना बड़ा मुश्किल है, उनके विचारों को हम जितना पढ़े उतना ही कम है। कुंभा राम जी आर्य वो नेता थे जिन्होंने, आपको याद होगा, एसटी के अंदर पहले सिर्फ और सिर्फ भील जाति के लोग आते थे। आज जब इस कुंभा राम जी आर्य की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है, तब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, तब मैंने उनको ये बोला कि ये किसी एक जाति के नेता नहीं थे, ये सर्व समाज के नेता थे। कुंभा राम जी आर्य को सिर्फ एक जाति के अंदर बांधना बहुत बड़ा अन्याय होगा। कुंभा राम जी आर्य ने मीना जाति को शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर उन्होंने शामिल किया, जिसका नतीजा है कि आज आप देखते हैं आईएएस आईपीएस आरएएस आरपीएस आरटीएस सब लोग मीना जाति के लोग जो है वो बनकर आ रहे हैं। ये और किसी की नहीं, कुंभा राम जी आर्य की देन थी। कुंभा राम जी आर्य ने हरिजनों के लिए अपनी आवाज उठाई। उनका कहना था कि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो हरिजनों को अभी भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उनके अधिकार सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं, लेकिन धरातल पर उनके अधिकार उनको नहीं मिले हैं। उन्होंने हरिजनों के लिए भी अपनी आवाज उठाई, और जो सबसे बड़ा काम था जो उन्होंने किसान कौम के लिए किया था, उसके बारे में सभी वक्ता ने बताया, जमीन जी की बावे भी की। ये एक बहुत बड़ा अधिकार था जो कुंभा राम जी आर्य ने, चौधरी साहब ने सभी को दिलवाया। और जब बात चली थी, क्योंकि ये लावनी का समय है, जब हमारी मंडेलिया हाउस में मीटिंग चल रही थी, तब कुछ देहात के लोगों ने यह बात उठाई कि ये तो लावनी का समय है, इस समय किसान वर्ग तो घर से निकलना बहुत मुश्किल है, उनका खेतों से निकलना। तब नारायण जी ने एक बात कही थी कि अगर कुंभा राम जी ये बात सोच लेते कि ये लावनी का समय है, तो फिर आज किसान खेत जोतने के लायक ही नहीं रहते। आज कुंभा राम जी की ही देन है कि हम सभी लोग अपने अपने जमीनों के ऊपर, उनका मालिकाना हक हम सबको मिला हुआ है। उन्होंने कभी भी किसी भी जाति के लिए, सिर्फ एक जाति के लिए कार्य नहीं किया। कुंभा राम जी आर्य का जो ड्राइवर था, जहां तक मुझे मेरे पूर्वजों से सूचना मिली है, जहां तक उन्होंने मुझे मेरी जानकारी में लाया है, कि वो हमेशा ड्राइवर अपना राजपूत रखा करते थे, और उनके घर में जो रसोइये थे, जो खाना पीना बनाते थे, वो हमेशा मेघवाल समाज के लोग होते थे। तो ऐसे थे हमारे कुंभा राम जी आर्य, हमारे चुरू के प्रथम विधायक। और आपको मोहन जी आर्य साहब ने भी बताया कि किस तरह उन्हीं की, कुंभा राम जी की ही बदौलत जो है वो जिला प्रमुख, रावत राम जी आर्य जिला प्रमुख बने, और 5 बार से ज्यादा वो एमएलए भी रहे। इसी कुंभा राम जी आर्य की ही देन थी कि मेघराज जी पंवार यहाँ से 2 बार एमएलए बने थे, जो मेरी ही जाति के थे। ऐसे थे हमारे कुंभा राम जी आर्य। उनकी मूर्ति लगाने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए जितने भी पार्षदगण हैं, जिस दिन उन्होंने बिना बारीकी में जाए और 1 मिनट के अंदर उन्होंने कुंभा राम जी आर्य की मूर्ति के लिए जमीन देने के लिए अपने अपने हाथ उठाए थे, मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आदरणीय नेता रफीक जी मंडेलिया को, हाजी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि आज आप सभी लोग सभापति जी का धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन सभापति जी को बनाने वाले यही लोग थे, और अगर आज ये नहीं होते तो मुझे ये कार्य करने का आज ये सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होता, तो मैं इनको हमेशा धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और इस मंच के माध्यम से मुझे बेहद गर्व है, हमने अपने कार्यकाल के अंदर बहुत सारे कार्य किए, लेकिन जो सबसे बड़ा कार्य रहा है वो कुंभा राम जी आर्य की आज प्रतिमा का रहा है, और इसके लिए आप सभी लोगों का जो आज इतने अमूल्य समय निकाल कर आप लोग यहाँ पर आए हैं, उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सभी अतिथिगण जो यहाँ पर आज पधारे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और नारायण जी ने मुझे मना किया था उनका नाम लेने से, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि इस पूरे कार्यक्रम के पीछे जो सूत्रधार रहे हैं, पूरी कार्य योजना जो तैयार करी है, सभी पूरी व्यवस्थाएं इन्होंने देखी है, राम रतन जी और नारायण जी, आप दोनों को भी, जो आप दोनों मास्टरमाइंड रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम के पीछे, आप दोनों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, कुंभा राम आर्य अमर रहे।
कुंभाराम आर्य, अमर रहे अमर रहे। चौधरी कुंभाराम आर्य, अमर रहे अमर रहे। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।